साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े सौ बार और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पक्या हुआ, उसको थोड़ा सा धटका लग गया उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता, सौ प्रयत्न कर लो अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी वो कभी वैसा नहीं हो सकता, वो अपना कुबद मन में जोर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है। और भगत संत साधु और सोना और सजन, सजन पुरुष भद्र पुरुष टूट जोड़े सौ बार, जैसे सोने का आभूषण बना दिया अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर उसको दोबारा आभूषण बनाया जाता है, निशान भी नहीं रहता ये कौन था, वैसा ही बन जाता है। ऐसे साधु संत कभी कवासुनी हो जाती है तो मन में दोष नहीं रखते, ईर्षा नहीं रखते, उसको बदले की भावना नहीं रखते, और फिर मिलते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और दुर्जन दुर्योधन दुर्जन था, एक के धक दरार उसमें इतना क्रैक आ गया वो मिटा नहीं, अपना नाश करा कर टिका, सर्वनाश कराया उसने। अब उसी आधार से उसने कहा कि दुशासन अब इसको नंगा कर सुभा में, हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान है, हम कुछ देख थोड़े सकेंगे, इसके अंग को नंगा कर इसको आज। अब द्रौपदी वहां कौन कौन विराजमान थे पुण्यात्मा, महाभारत पढ़ा करते आप, इसको बड़ा अनमोल ग्रंथ जानकर, इसके अंदर जो इन पात्रों का जो गलत रोल था किसी का नहीं धरती भाग में देखने नहीं मिला। विषम पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीन ऐसे योद्धा थे जिससे सब कुछ कांपते थे, दुर्योधन भी कांपता था, वो सारे सभी कौरव कांपते थे, लेकिन उस सभा में वो सारे बैठे और विदुर भी विराजमान था, विदुर जो कौरव पांडवों का चाचा था। अब वहां पर जब उसको नंगा करने लगे, द्रौपदी ने सबसे पुकार की, पहले तो ये सोचा कि ऐसी गलती कैसे कर देंगे, सारी सभा में मुझे नंगा कैसे कर देंगे, विषम पितामह जैसे बैठे हैं दादाजी और साथ में ये बैठे द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण जैसे महापुरुष अक्षत्री विराजमान है, ये कैसे गलती करेंगे। तो जब सबकी तरफ देखा, दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया नंगा करने के लिए, किसी ने भी यूं नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, कैसा जुल्म कर रहे हो। अपने पति पांचों पांडवों की तरफ देखा, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंध चुके थे, नीचे गर्दन कर ली। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सब फेल हो गए, तो जिसको तू आसरा मान बैठी थी, जिनको सहारा मान रही थी, ये तेरी मदद हेल्प करेंगे, तो ये तो फ्यूज हो गए सारे। तो यहां परमात्मा ने कहा कि उस समर्थ की रीत छुपाई बिकुल कुटुंब तेरा था, अब इन संसारिक लोगों से तू अपने कल्याण चाहता है, इनसे मदद मांग रहा है, ये मदद नहीं कर सकेंगे, समय आने पर भगवान ही मदद करेगा, और वो कैसे करेगा, यदि तूने उसके अनुकूल कोई ऐसा कर्म किया होगा तो करेगा। अब उस समय उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको हम पंचाती कह सकते हैं और एक धर्मपुत्र कह सकते हैं, विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा, करे भले आदमियों तुम क्या करने जा रहे हो, कुछ दुर्योधन अकल से काम ले, बाहर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे, अपनी इज्जत अपने हाथों उतार रहे हो, तुम एक ही दादा की संतान हो, तुम अलग अलग नहीं हो। विदुर कहे, ये बंधु तुम्हारा, ये पांडव भी तो आपके ही चचेरे भाई हैं। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवार, और तुम ये ऐसा जुल्म ना करो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। और कहते जब विदुर ने उनको मना किया, रोकना चाहा, तो थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, सदा इन्हीं की ओर बोलता आया, जबकि नाते में वो चाचा था, सगा चाचा। कहते विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा,
पुत्रहीन पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है नौकर। तू तो है बांदी का जाया, तुम बांदी से पैदा हुआ है ना, इसलिए तेरे अंदर अक्षत्री वाले गुण नहीं, तू इतनी ही बोधी बात कहता रहा। तू तो है बांदी का जाया, जब ये शब्द उसने कहा दुशासन ने, कहते हैं भीषम करण और द्रोण मुस्काया। अकल देखो उन महापुरुषों की, पंचायत में बैठे हैं और एक लड़का अपने चाचा का थप्पड़ मार रहा है और उसको अपशब्द कह रहा है, वहां वह बैठे मौजूद व्यक्ति हंस रहे हैं, मुस्कुराए वो, जबकि उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार जतन अपने चाचा का हाथ लगा दिया, सारी नैतिकता नाश कर दी तूने। और वो इसके विपरीत उन्होंने ना कुछ टोका टाकी की, ना ये कहा तू ऐसा ना करो, बल्कि ये शब्द सुनकर कि तू तो है बांदी का जाया, विषम करण और द्रोण, द्रोणाचार्य गुरु कहते मुस्काए, हंसे। और वहां एक था भक्त, एक था पंचायती। उस सभा में पंचायती के एक लक्षण और गुण होते हैं, सच्ची बात कहे, मुंह पर कहे और उसकी नहीं चले तो उठ कर चला जाना चाहिए, वह बैठा नहीं रहना चाहिए उस सभा। तो विदुर वहां से उठ कर आ गया, वहां रहा नहीं, या तो विषम द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनका विरोध करना चाहिए था, नहीं मानते तो सभा त्याग देनी चाहिए थी। वहां बैठे किस लिए थे, वे बुद्धिहीन, उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे वो दुष्ट व्यक्ति, और किस लिए बैठे थे। अब कहते हैं बंधे से बंधा मिले और छुट्टे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर विषम पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण वो दूषित मन के हो गए थे, वो बंध गए उसके लोक लाज में, किसका टुकड़ा खाते हम कैसे बोलेंगे। और विदुर ने खड़ा होकर कह दिया, और उधर से पांडव बंध गए कि हम हार चुके हैं, द्रौपदी को हम बोल नहीं सकते, वो बंधन में बंध गए मर्यादा में। पुणात्मा जब ये जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण समझ लेना यहां पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा। जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे तो पता नहीं क्या कर दे एक पल में। जब द्रौपदी ने देखा कि यहाँ कोई और साथी नहीं, तेरा मददगार नहीं है, तब सच्चे दलता आत्मा रोई थी, ये भगवान आत्मा का साथी है, मन का साथी नहीं। मन तो पता नहीं क्या क्या बकवास चाहे, ये हो जा वो हो जा फलाना हो जा, जो आत्मा चाहेगी ना तो मालिक देगा आपको, ये आत्मा का साथी है। और मन है ये काल का एजेंट। जब आत्मा रोई यहाँ की आपकी पुकार, जैसे पता नहीं कितनी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं कहीं कहीं, और वो सभी पुकारती भी हैं अपने मदद के लिए, फिर लास्ट में भगवान को भी याद करती होंगी, लेकिन कितनों की मदद होती है, बहुत कम। कारण ये होता है कि हमने पहले कुछ ऐसा पुण्य नहीं कर रखा जिसे भगवान कोई कारण बना दे और हमारी रक्षा करते हैं किसी भी प्रकार से। तो द्रौपदी का मालक ने पहले तो कारण बनाया, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने दिन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरू जब तक धरती आकाश। अब जैसे ये दास पहले हम राम कृष्ण के पुजारी थे, शंकर जी के पुजारी थे, बाबा श्याम जी हनुमान जी के पुजारी थे, और जो भी घर में सुख होता था हम ये कहा करते भगवान विष्णु ने कर दिया, बाबा श्याम जी ने कर दिया, हनुमान जी की दया होगी, दिन सब याद आ जाता, उसी को श्रेय दे देते थे जो भी भगवान हमें याद आते थे। अब पता चला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब ज्ञान की रोशनी से पता चला कि करने वाला तो वही था। कहते जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा, संसार के लोगों का ही हमने क्रेडिट दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वो कराने वाला भी कोई और ही है अगर किसी से कुछ करवा रहा है। कहते जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, कोई सपने भी याद नहीं आया आपको,
तो परमात्मा कहते हैं जब तक जो मेरी शरण में है, कभी किसी शरण समय में ये द्रौपदी वाली आत्मा भगवान की शरण में थी, इस कलयुग के इस पीरियड में ये चल रहा जो स्वर्ण युग आ गया, ये और इसमें जो बिचल गए पिछड़ गए रह गए वो फिर ये धक्के खाते हैं, रानी बन गए, कभी राजा बन गए, कभी देवता बन गए, कुमाई इस समय की होगी वह सत भक्ति और हजारों युगों तक चलेगी उनके साथ, क्योंकि इतनी कमाई इतनी बनती है इसकी, फिर यहां बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो एक बार उसकी शरण में आ गया, परमात्मा इतने दयालु हैं, उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इवन द्रौपदी का भी ईव जन्म देंगे, दोबारा यहाँ पटकेंगे उनको जब उनका नंबर आओगे, जब टके रहे तो न कहा मोक्ष होना था। तो कहने का बात यह है कि जब आत्मा ने रोई हृदय से मालिक को, तो इसकी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में। और यहाँ एक विधान बना रखा, कोई ना कोई गुरु पहले अवश्य धारण करते थे, गुरु के बिन भक्ति नहीं करते थे। पांडवों का गुरु थे श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण को गुरु भी धारण कर रखा था। अब इसकी पुकार गई वहां धर्मराज के दरबार में, उसकी खुल गई वहां सीढ़ी, उसने देखा धर्मराज ने कि देखो आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा करा सकता हूं। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को कपड़े का, इस तो पता नहीं कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के श्री कृष्ण में आई वो नो किन पावर मालिक की। और कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था, शतरंज का गेम खेल रहे थे महल में। जो ही उसने शतरंज डाली, उसमें बोलते हैं कच्चे 12 पक्के 18 पौ 12 जैसे भी उसके होते, तो पास से डाले थे और बोलना था पौ 12 कच्चे 12 जैसे वो बोलते हैं खेलने में। उसी समय हाथ आकड़ गया उसका नु, और नु बोला अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं कर रहा था, वह परमात्मा की पावर उससे करा रही थी। अब रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ दिया कि अनंत अनंत क्यों बोल रहे हो, आर्गे बोल, इस कच्चे 12 पक्के 12 कुछ तो बोलना था, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तब उसने कहा कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्का, ग्रीवदास साहिब जी की अमरवाणी से दास सुना रहा है, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्का, उसका हाथ पकड़कर हंसने लगी, अनंत कहा मुझको समझाई, ये अनंत क्यों कहा इसका मुझे बता। अब कहते हैं दुस्सा सन्ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी, जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। वहां कृष्ण नहीं बोल रहा था, कृष्ण को बुलाया जा रहा था भगवान के द्वारा, और परमात्मा की पावर इसके पास वहां से भेजा, जैसे जड़ से खुराक आती है पौधे में, पौधे से जाती टहनी में, टहनी के फल लगते, तो वो फल देने वाली टहनी है, उसका देने वाला जड़ है, टहनी के बस का नहीं था, ये समझ लेना। क्योंकि जब इस फार्मूले को आप समझोगे अध्यात्म ज्ञान को, जब आपके समझ में आएगी और आपकी दृष्टि वहीं टिकेगी जाके कि करे कराओ साइया मन में लहर उठा दादू से दर्जीव के आप बगल हो जाए। कृष्ण कहते सरदरी थी और करने वाला खुद था वह। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोकू समझाई, दुस्सासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत यानी भगवान की भगत सकल में सिकरी, और जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई, जब हमारा भगत हार में आ गया तो भगवान का नाम ना लेवे कोई। अब श्री कृष्ण तो फिर इतना कह के लग गए पैसे खेलने, वो मालिक आए फिर कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण रूप बनाकर परमात्मा सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सर पे आकर बैठ गए। कहते तम देही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रोप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न आए, द्रोप सुता ने दिन ने लीर और जाके अंत बढ़ाए चीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अनदेवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना का। फिर काफी समय के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके घर आए,
तब द्रौपदी ने पूछा कि हे भगवान, आपने मेरी ऐसे कौन सा मेरा शुभ कर्म आगे अड़ गया जिससे आपने मेरी इज्जत रखी। अब वो कृष्ण ने नहीं पता क्या हुआ, उसको बताया गया फिर कि आप ऐसे आए थे, मैंने आपको याद किया था, मेरी चीर हरण हो रहा था, आपने दया कर दी। तब श्री कृष्ण, मैं भी को पिछले तीन लोग की ये कुछ शक्ति है, इनमें भी कुछ दिव्य दृष्टि होती है, इसने जब ध्यान मगन होकर देखा कि कौन सा पुण्य इसका इसको मिला, तब उसने बताया कि द्रौपदी, तूने एक बार जब कुमारी थी राजा द्रौपदी के घर नहाने गई थी और तूने एक साधु संत को एक बिलहात का एक छोटा सा टुकड़ा साड़ी का पाड़ कर दिया था, उस महात्मा को दिए हुए फल, उस टुकड़े का फल आपको इतना मिल गया। ओए होए, जब उसको याद आया, रिमाइंड हुआ कुछ, ओहो इतने महापुरुष थे वो सूरदास, तो कहती है कि एक लीर, लीर माने छोटे से टुकड़े के कारण मेरे होगे चीर अपार, और जब मैं पहले जानती कि ऐसे समर्थ है ये, तो सब कुछ देती वार कि उसको ना जाने के दान दे देती, उस महापुरुष को पता नहीं क्या समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, आज वो अवसर आ गया आपका, और जब ईव चूक गए, अब समर्पण होने का समय है मोक्ष प्राप्ति और यहाँ की सुख प्राप्ति के लिए, इसलिए आपको उदाहरण सुनाया। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेश, और दिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊ तो। अब परमात्मा जब आप वहां को याद करेगा, गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी, फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गया, भगवान के रम में तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लाओगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी, इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्म में कोई गलती हुई थी उनको स्टॉक कर गया परमात्मा ने, जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जो पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटो कर दिया भगवान ने वहां, यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान पोता पोती दोता दोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से, अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सत भक्ति मिलेगी, वो तो एक जन्म में पार हो जाएंगे, 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख रहा। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हजार वर्ष अवश्य लगेंगे, तो 1-2 हजार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी, वो रह गए यहाँ पर पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा, वो दुखी ना होंगे, जो हाहाकार अब माच रहा है उनकी किस्मत का, भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा पृथ्वी पर, फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा, और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा, इस डर से भी आप भक्ति करके यहाँ से निकलो, ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है।
अब क्या बताते हैं परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का सकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी है और सभी नाशवान है। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा कहत हूं, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य चंद। देवदास जी बता रहे हैं कि पहले सूर्य चंद भी नहीं थे, उस वो पहले की कथा सुनाता हूं। शिव ग्रंथ पतिया भये ये बारूद ते अंधे, ग्रीव सिंधु शब्द में सहले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं, शब्द सिंधु में सह लेकर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाई या ये चेरा के नादास। ब्रह्मा जी को ओ मंत्र दिया परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ओ मंत्र का जाप करता है और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है, तो बुद्धि बदल गई। आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं, एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मुचको रंभ गति ये संस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए शेष सुनाया नाम, रर रम राम अगाध धुन शेष संस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, क्या कहते हैं परमात्मा के, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सो हम नाम दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए जब विष्णु विश्वंबर नाथ, हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक मार के सतलोक से मिलती जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सफेदी उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जब विष्णु विश्वंबर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्टकमल दल स्वाते। अब पुनात्मा धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परम पिता के सच्चे भक्ति का। और अब परमात्मा कहते हैं तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखो, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वंबर नाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्ट कमल दल स्वात, जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में इसके अष्ट कमल है और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं, तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित है और उससे वह आकर्षित होकर के विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक
मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं, अरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप को शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी, उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं ये उन्हीं का जाप करते हैं, ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं, और वही मंत्र आज आप जाप करें तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने उनके पर ना करे, अब आपके कर दिए, लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला और ये अनमोल बरवाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला, इसको संभाल के रखना, समझा है तो सर दर्पाओ बोर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरु देव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने यह निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी और सत भक्ति करके सभी सत उपदेश उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आपका दास आवेगा 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा उससे पहले द्वादश पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारे आई ऐसा वचन हरमोय दीजे तब संसार गमन तुम कीजे। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि प्रवानिक होई घर घर देखो बोध विचारा सतनाम सब ठोर उचारा और कलयुग बीते 5505 जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता तब सकल सृष्टि सकल जीव सभी जीव परम पुरुष पद चेता यानी उसके बाद सभी जीव सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहां कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सारसबद देना है, इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे
और सभी एक होकर के सत भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा, तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी छठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूं तेरे पुत्र को दूंगा, ये छठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र पांच नाम ठीक से लेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो छठी पीढ़ी का होगा, छठी पीढ़ी पांचवी तक ठीक चलेंगे, छठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ जो काल के पंथों में से बारह में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस छठी पीढ़ी तेरे वंशज को छठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो पांचों इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे। इब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो ये है यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्म नगर दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहाँ से प्रकाशक है, ये वही है प्रकाशक अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग प्रकाश कुंज युवक कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा से परमात्मा के ज्ञान को मारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, इन्हीं की पोल खोल दी कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग, देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा ये प्रश्न नंबर एक है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहेब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहाँ पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 मैं दिखाता हूँ। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है, कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के ढाई वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओं 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूँ आपको, देखो सात पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं,
सात पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है सतपुरुष अलग है, और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है। देखिएगा इसी सात पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में ला कर खड़ा कर दिया। इनके पास खा ज्ञान है। और देखो आगे आगे देखो विद्वान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे, और सृष्टि का पूर्ण संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में ही समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलावादी देखो, पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पर केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग हैं और सतपुरुष भिन्न है, तो यहीं से पता चल जाएगा पक्के काल के दूत हैं, इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधोगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा, पार नहीं उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं, पांचों नाम अटपट कर रहे वो भी सही नहीं। अब देखो सात पर हम पढ़ रहे हैं, देखो ये सात पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्वान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सद्गुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब आठ पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने, ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है। आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप किन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक काधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सतगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि है, सतपुरुष नहीं परमात्मा नहीं। अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान हर कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री एक कैसे हुआ, तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्माओं रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे माले के चलो में, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये जो कोशिश अब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ कलाबाजी। अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58, इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके पंथ यहां कहता है, एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार तीन बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश ब्रह्मा सावित्री लक्ष्मी विष्णु शंकर पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में दो अक्षर एक ओम तथा तत् का जाप देता है,
और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रवंकार जाप कर रही है तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आंख बंद कर रहे हैं। और इनका कहने का भाव ये है कि तीन बार में नाम नहीं दिया जाता, वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर दो अक्षर का देता, फिर स्वर नाम देता, ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पपोल खुलगी, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं इनने अपनी अपनी वास्तविकता पर बता दी, ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताजा ताजा। अब देखिएगा इसके प्रश्न नंबर 50 पे, ये के कबीर पंथ के द्वादश पंथों का भेद, इसका ये सारा बताते हुए यहां इन्होंने यहां 51 पर आगे यहां लिखा है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना भूल्य जीव न जाओ ठिकाना। ये सारा ले लिया नौका ने बिल्कुल एक्यूरेट कबीर वाणी चैप्टर से, कबीर सागर से सारा। प्रथम जागु जग में ब्रह्मावे, दूसरा स्रोत गोपाल, फिर मूल निरंजन टकसार, और ये बीज की बीजक की वाणी, ये सारा और देखना है। अब छठवां पंथ सतनामी प्रकाश जीव पंथ, फिर राम कबीर पंथ, फिर आगे दसवां भेद परम बदाम की वाणी, फिर साख हमारी निर्णय ठानी साखी, फिर ये है संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 74 है, 1774 गलती से प्रिंट है। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और बर में पंथ प्रगट हो बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, बारह पंथ हमी को धावे, और बर में बारहे पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक चलावे। आय हाय, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तम मघ्र मांडू मैदाना। अब इन्होंने आगे, अब इन्होंने अनुवाद किया इसमें, इतना समय नहीं आज पूरा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा हिंट दे रहा हूं, और इनकी आज पोल खोल लेंगे जो पहले इनका हमने इनकी देही तोड़ रखी है, इनकी दो तीसरी दो गदर रखी है, कति क्लियर कर दिए, ये नकली है, इनके पास कख भी नहीं भक्ति मार्ग। अब इन्होंने फिर आगे अनुवाद कराया इसका अपने हिसाब से अड़ंगा करने के लिए, लेकिन इस वाणी का ना करा नहीं किया कि बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाए, ये वहां छोड़ दिया, क्योंकि श्रद्धालु केवल अनुवाद पढ़ते हैं, इनके वाणी वो समझ नहीं सकते, इसलिए दास पे कृपा करिए परमात्मा ने ये प्रोजेक्टर और डीवीडी बनवा के कि हाथों हाथ सच्चाई में लगी, अरे भी ये नकली और अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। इसमें देखिए अनुवाद किया इन्होंने, 52 पृष्ठ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि बर में पंथ है, ये बर में पंथ है परे नहीं, हम ही चल आवे, पर सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे, इसका अर्थ नहीं कर रखा ये सारा, ये देखिएगा पूरा पूरा देख लो एक बार, पूरा देख लो, पढ़ाऊंगा नहीं कर, एक देख लो इसको, आजकल बड़े सिस्टम है, पीछे पूरा पूरा पेज देखो, इसमें कहीं भी उस अर्थ नहीं दिया इन्होंने जिसमें ये लिखा है कि बर में पंथ हम ही चलावे, उसका कति जिक्र नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, खलबली मचगी इनके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला 12 राजस्थान, गाँव अंता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दास ने 28 अप्रैल 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सदगुरु रामपाल जी
महाराज से जुड़ने से पहले जो भी परिवार में पारंपरिक साधनाएं होती है, देवी देवताओं की भक्ति करना, मंदिर मस्जिदों में जाना, ये सभी परंपरा से जो चली आ रही थी वही साधना हम करते थे। तो सर आप जो पारंपरिक साधनाएं करते थे उन सबसे आपको क्या क्या लाभ मिले? परंपरागत साधनाएं करते थे उनसे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानियां हुई। मेरी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही एक्सपायर हो गई, पीलिया या कोई अन्य रोग ऐसा होने से वो वहीं शांत हो गई पीएल में। उसके बाद में मैं पढ़ाई करता था, 10वीं तक पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद में 10वीं से पढ़ाई बंद करने के बाद में दूसरी मैरिज हुई भीलवाड़ा राजस्थान में, वहाँ भी कुछ समय बाद में ही वो पत्नी भी मेरी एक्सपायर हो गई, शांत हो गई। और उसमें हमारे पिताजी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की साधना करते थे, रामदेवरा जाते थे साल के साल ही भादवे के महीने में। वहाँ रामदेवरा जाने से भी उन्होंने जो साधना बताई कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा करना है वैसा करना है, तो उनके साथ में जाकर यही साधना करी जो परंपरा से हमारे पिताजी करते थे, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। देवी देवताओं पर विश्वास करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हानि के अलावा उन देवी देवताओं से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में सत्संगों में जाना शुरू किया, तो वहाँ भी यही था कि गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, वहाँ भी ऐसे विषय विकारों में ही उलझा देते। जो संत महात्मा होते थे सत्संग में भजन के लिए बैठते थे, यही ढोंगी संत आते थे, वो भी यही कहते थे कि भाई बीड़ी जलाओ, सिगरेट जलाओ, तो जलाना पड़ती थी, उनको जला के देते थे। वो बोलते थे कि लो आप भी खींचो एक फूंक, हम भी खींचते थे, ऐसे ऐसे करते है। उसकी भी लत लग गई, फिर गांजा पीने लग गए। तो करीब करीब 3-4 साल तक गांजा पिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये साधनाएं थी, ये आडंबर थे, जो अन्य संतों के साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे, सारे उल्टे ही शोक किए और उनका परिणाम भी उल्टा ही आया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना एक संयोग था, या संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। तो मैं ऐसे ही सत्संग में गाना बजाना करते थे, भजन गाते थे, परमेश्वर कबीर साहब की वाणियां भी गाते थे। तो गाने का शौक था, तो आध्यात्मिक चैनल देखते थे, जैसे आस्था है, संस्कार है, ऐसे जो कथावाचकों की कथा आती थी उनको सुनते थे, उनसे कुछ सीखने को मिलता था कि भाई ईद में अच्छा गाते हैं, अच्छा प्रोग्राम देते हैं ये, तो उनसे सीखते थे। तो ऐसे चलाते चलाते एक दिन क्या है, अचानक ही आस्था टीवी पे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था, वो अचानक ही देखने को मिला। ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट मैंने सत्संग देखा, लेकिन उस 5-7 मिनट के सत्संग से मुझ पर ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि दूसरे दिन मुझे ये भी पता नहीं था कि सत्संग कितने बजे चालू होता है, कब आता है, पर मुझे वो 5-10 मिनट का सत्संग सुना, उससे ये लाभ हुआ कि दूसरे दिन मैं टीवी के सामने बैठ गया 1 घंटा पहले कि भाई ये शाम को आता है सत्संग। तो शाम को 6 बजे से टीवी चालू करके मैं बैठ गया कि भाई सत्संग कितने बजे आता है। जब 6 बजे सत्संग शुरू हुआ, मैंने देखा 1/2 घंटे का सत्संग आता था आस्था चैनल पर। बस वो आस्था चैनल का सत्संग एक जगह बार देखने के बाद में लगातार मैंने कम से कम 8-10 दिन तक देखा। उसके बाद में चैनल के नीचे हेडलाइन आती है पीली पट्टी, उस पीली पट्टी पर जो फोन नंबर होते हैं वहां से मैंने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद में मैंने भगतमती को बताया कि ऐसा ऐसा है वहाँ बरवाला आश्रम में हरियाणा में, और वहाँ भगतमती की ये इच्छा थी कि भाई हमारे लड़का हो। तो मैंने उनको बताया, मेरे ससुराल वालों को भी बताया कि भाई बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात पर, फिर भी मैंने जोर देकर मेरी धर्म पत्नी और 2 लड़कियां थी उनको लेकर मैं बरवाला आश्रम गया। ये घटना है 28 अप्रैल 2013 की। जब मैं बरवाला आश्रम पहुंचा, पूछते पूछते बरवाला आश्रम जाकर जब हमने देखा, तो वास्तव में ऐसा लगा कि यहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। जब हम गए, भक्तमती और दोनों लड़कियां, उन दोनों को नाम दीक्षा दिलवाई। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
प्रथम लाभ तो यह मिला कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, इससे यह पता चला कि देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या होता है और पूर्ण परमात्मा की साधना करने से क्या होता है, पूर्ण लाभ कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, यह सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पता चला। दूसरा लाभ भगतमती को और उसके माता पिता को यह इच्छा थी कि हमारे लड़का हो लड़की को, तो उस समय मेरी मिसेज प्रेग्नेंट थी। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज ने से नाम दीक्षा लेकर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब सदगुरु रामपाल जी महाराज के वहाँ नाम दान में आशीर्वाद लेने पहुंचे तो मेरी पत्नी महिलाओं की लाइन में लगी हुई थी और मैं पुरुषों की लाइन में लगा हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझे ये नहीं बताया कि उसने क्या मांगा गुरु जी से। मैंने परमात्मा का आशीर्वाद लिया और मैंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद में जब मेरी पत्नी और हम वापस मिले तब उसने आगे बताया मुझे कि मैंने तो परमात्मा के सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज के सामने ये अर्जी लगाई थी कि अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चे संत हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, तो मुझे लड़का दें। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद में तीसरा लाभ ये हुआ, सर जी हमारे बड़े भाई साहब इंदौर रहते हैं तो वो क्या है संडे को शराब का सेवन करते हैं या मीट वगैरह खाते हैं, तो ऐसे ही एक दिन हमारे वहाँ घर पर आए हुए थे और कहीं बाहर से खा पी के आए थे, वो ज़्यादा नशे में तो नहीं थे पर उन्होंने क्या है बच्चे को उठाया जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, उसको उसने उठाया और खिलाते खिलाते ऊपर ले गया छत पे। वहां से अचानक ही पैर फिसला हमारे बड़े भाई साहब का और उनके साथ में ही बच्चा भी ऊपरी मंजिल से सीधा लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद में जैसे हमारे भाई साहब उसके पीछे दौड़ते वो भी नीचे गिर गए। हमारे भाई साहब का तो पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया एक, और हमारा जो बच्चा था उस बच्चे के एक खरोंच भी नहीं आई और नाली में जैसे जाके गिरा तो बच्चा एकदम थोड़ी देर सुन्न हो गया, आवाज भी नहीं करी, ना रोया ना चिल्लाया। सारे के सारे वहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सबने पूछा कि भाई बच्चा तो मर गया है, इतने ऊपर से गिरा है। उसके बाद में मैंने आके उठाया, जैसे मैंने उठाया बच्चा ये रोया भी नहीं, मैंने थोड़ा पंखे में लाकर उसको सुलाया, हवा लगी तो खेलने लग गया बच्चा। उस टाइम उसकी उम्र केवल 8 महीने थी, 8 महीने का लड़का था। तो तीसरा चमत्कार ये हुआ। उसके बाद में और चमत्कार ऐसे कई हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के, बाकी एक चमत्कार मैं और बताऊंगा जो हमारे दूसरे नंबर की लड़की है, उस लड़की के पैरों में ऑटोमेटिक ही पता नहीं ऐसी कोई बीमारी जी जगन का रोग, जैसे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में सुनाते हैं कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, ऐसा का ऐसा ही रोग मेरी पुत्री छोटी वाली जिसका नाम धनाक्षी है उसके पैरों में हो गया। तो ऑटोमेटिकली पैर ऐसे फट जाते थे जैसे खरबूजा फटता है, खड़ा भी नहीं होया जाता था उससे और खून बहने लग जाता था। मैंने उसका करीब करीब 3 महीने तक इलाज करवाया, 500 रुपये का 3 बार कोर्स दिया, एक बंगाली डॉक्टर है वहां से कोर्स लाया, उसने गारंटी लिया कि मैं 3 महीने में खत्म कर दूंगा इस रोग को, लेकिन वो रोग उससे 3 महीने में भी खत्म नहीं हुआ। फिर मैंने बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई, वहां प्रार्थना लगाने के बाद में केवल 30 रुपये की दवाई में सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, केवल 30 रुपये की दवाई में आज वो ठीक है एकदम, उसके पैरों में निशान भी नहीं है, ये तो जख्म हो गए थे बड़े बड़े, ये लाभ हुआ है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे जो विषय विकार थे, बुरी आदतें थी, गलत शोक मोज थे, जैसे शराब पीना, बीड़ी पीना, चिलम पीना और मांस मदिरा का इनका सेवन करना, ये सारा सारी बुरी आदतें एक साथ छूट गई। सब कहते हैं कि भाई ये नहीं छूटती है, बाकी सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से एक ही बार में सारे विषय विकार विषय छूट गए। सभी हिंदू धर्म में देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो ये कहते हैं, आरती में भी गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा, बाकी आज तक गाने से विषय विकार किसी के भी नहीं मिटे और आज तक भी गा रहे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद तुरंत ही सारे विषय विकार, आज कोई अगर बीड़ी भी पीता है हमारे सामने या हमारे पास में तो ऐसी बदबू आती है कि थोड़ी देर बाद में उल्टियां हो जाए,
ये कंडीशन है। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सारे विषय विकारों को मिटा रहे हैं, दहेज रहित शादियां करवा रहे हैं, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उन्नति करेगा और समाज को एक नई दिशा देगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले। आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई, उसके बाद उसी लड़के को जीवन दान मिला, उसके अलावा आपको शराब आदि नशों से भी छुटकारा मिला। तो सर, जो समाज अगर आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सर, समाज को संदेश तो क्या, एक प्रार्थना और विनती है कि अगर आप भी मेरी तरह इन विषय विकारों से बचना चाहते हैं और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ और आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं और सभी तरह के शारीरिक, आर्थिक और जितने भी लाभ हैं जो आप लेना चाहते हैं, इन देवी देवताओं की शरण में आने से नहीं प्राप्त होंगे। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई।